Hi guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज और एक बंदे हमारे पास हैं, स्पेशल बंदे हैं, राइट? इनका गेट में 108 रैंक आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, बट आज का जो सेशन हमारा होगा वो गेट के प्रिपरेशन पर तो थोड़ा बहुत होगा, बट ज्यादा हम फोकस करेंगे कि PSUs का फिलहाल इंटरव्यू प्रोसेस क्या चल रहा है. इन्होंने रिसेंटली 25th का इनका इंटरव्यू था NTPC में, तो इनका JD कैसा हुआ, क्या क्वेश्चन इनको पूछा गया, कैसे इंटरव्यू हुआ, सब कुछ जानेंगे. और इनका अगर आप प्रिपरेशन टिप्स जानना चाहते हैं कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया था 108 रैंक लाने के लिए व्हाइल स्टडिंग एट होम कम्प्लीटली होल ईयर, आप इनके सेशन को देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा. ऑलराइट, सो आयुष कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अच्छा रैंक आया गेट में. तो हम शुरू करेंगे थोड़ा सा आपके लिटिल बिट इंट्रोडक्शन से, आपने कहाँ पढ़ाई किया, गेट ही क्यों आपने दिया, ESC क्यों नहीं या फिर कोई और एग्जाम क्यों नहीं, MBA क्यों नहीं, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. सर, मैंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से अपना BTEC किया है जो भुवनेश्वर में है. और सर, हमेशा से मैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड में इंक्लाइंड था, जैसे कि मुझे मैथ्स पसंद था और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो पहले से ही पसंद थे. पर जब मैं इंजीनियरिंग लिया इलेक्ट्रिकल का तो मुझे कोर सब्जेक्ट्स भी अपने पसंद आने लगे. और जब मुझे फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था कि गेट करके कुछ होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और सर फिर मैंने कैट के बारे में पता किया था तो उसमें तो एप्टीट्यूड और मैथ्स आता है. पर जब फ्यूचर सिनेरियो की बात आती है कि हमें MBA करने जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि उसको तो बाद में भी किया जा सकता है, मतलब आप अगर जॉब करते करते कहीं पे भी. पर अगर अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हुए मुझे लगा कि एक ऐसा लीप लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा सिक्योर जॉब के लिए जिससे डायरेक्टली जॉब मिल सके मुझे. और कॉलेज से प्लेसमेंट सिनेरियो उतने कुछ खास थे नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि कॉलेज का प्लेसमेंट ले लूं मैं. तो सबसे बेटर ऑप्शन लगा मुझे कि गेट कर लेते हैं. उसके बाद एक तो ऑप्शन ये रहेगा कि चलो PSU नहीं मिलता तो भी कम से कम IITs का एक पढ़ने का एक्सपीरियंस हो जाएगा MTech करने का. तो इस कारण से मैंने बताइए कंप्लीट कर लेते हैं उसको, क्या बोल रहे थे आप? यस सर, तो सर इसलिए मैंने गेट का स्टार्ट किया प्रिपरेशन कि मतलब या तो PSU या तो ISC या फिर IITs में वो पढ़ाई कर सकूं मैं. ओके, सो आपका ISC बेंगलुरु में MTech में एडमिशन हुआ था लेकिन आपने लिया नहीं एडमिशन, लोग तरसते में वहां पर एडमिशन पाने के लिए, कोई खास वजह लिया नहीं एडमिशन आपने? सर जैसे ही गेट का रिजल्ट आया तो इस बार लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ कि अब इंटरव्यूज नहीं हो रहे थे इस साल IITs के. तो आप जितने भी ISC का या IITs का फॉर्म फिलअप करोगे उसमें आपके गेट स्कोर के बेसिस पे ही लिया जा रहा था. और मैंने ISC बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू फिल किया था फॉर्म और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया था. पर मैं उतना श्योर नहीं था क्योंकि मुझे AI के थ्रू करना था MTech, और मैं AI के बारे में कुछ जानता नहीं था, ना ही मैंने कॉलेज में कभी कुछ कंप्यूटर से बैकग्राउंड कुछ रिलेटेड किया है. पर एक बार एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हम कुछ भी करके सीख सकते हैं या फिर आगे पढ़ सकते हैं, तो उस एटीट्यूड के कारण मेरे को लगा कि ये रिस्क भी एक्सप्लोर किया जा सकता है. पर पता नहीं था उसके बारे में कुछ भी AI के, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहले PSU का इंटरव्यू तो चलते ही रहेगा तो उसको देखते हैं. और तब तक कि मैं साइड बाय साइड पाइथन और या फिर कुछ कुछ AI के बारे में पता करते रहूंगा कि वहाँ पे कैसा सिनेरियो है. और कुछ लोगों से अभी भी बात होती है जिन लोगों ने AI लिया है ISC बेंगलोर में. फिर उसके बाद अब मैंने PSU पे फोकस किया और नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप कर दिया ये ISC बेंगलोर वाला प्लान. आज का हमारा डिस्कशन का होल मैक्सिमम जो फोकस रहेगा, जैसे बोला PSU में इंटरव्यू का सिनेरियो फिलहाल जो करंट नया है, किसी ने इस तरह का फेस नहीं किया, समथिंग न्यू, राइट? मतलब पहले ऐसा लगभग नहीं हुआ है. प्राइवेट में शायद होते थे ओवरसीज वालों का, लेकिन इंडिया में मैंने जितना, मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है नहीं हुआ अब तक लगभग. सो आपका NTPC का प्रोसेस पूरा बताओ, कैसे मतलब फॉर्म भरे आप, उसके मतलब फॉर्म तो पहले भरे होंगे, कैसे उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट करा, मेल करा था आपने उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए, या फिर निकला था आपने अप्लाई किया था? सर आई थिंक सितंबर स्टार्टिंग में ही उनका फॉर्म आ गया था रिक्रूटमेंट का. लास्ट ईयर? नहीं सर, इसी अभी आया, जस्ट एक मंथ पहले, एक से दो मंथ पहले. लास्ट ईयर तो अभी हुआ नहीं ना, ये तो अगस्त चल रहा है. सॉरी सितंबर बोलता हूँ सर, मतलब ये इससे पहले वाला जो मंथ था, जो पहला मंथ था जुलाई, यस सर, तो सर उसमें ही पहले आ गया था ये NTPC का रिक्रूटमेंट का. और जो बाकी कुछ कुछ PSU जैसे ONGC अभी तक निकाला ही नहीं है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस का. बाकी जो पावर ग्रिड हो गया, POSOCO हो गया, IOCL, इन लोग निकाल चुके हैं,
पर वो भी IOCL और POSOCO ये सब गेट के स्कोर मतलब गेट रिजल्ट आने के बाद निकाले, पर जो पावर ग्रिड था वो पहले गेट के मतलब गेट एग्जाम होने से पहले निकाल देता। तो इन लोग का एक PSU का ये रहता है कि अनसर्टेन रहता है कि कभी भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया तो NTPC का भी सबसे हाल ही में आया था, सबसे रिसेंट था, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुरंत उन्होंने इसी मंथ वो अगस्त में ही इंटरव्यू करवा देंगे। तो 5 अगस्त को मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपका GD और PI क्लर्क शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। तो ऐसा था कि सर 250 पर्सन लोगों को कॉल किया गया था GD और इंटरव्यू की। तो 5 अगस्त को हुआ और 15 अगस्त को मेरा वो था पहला GD राउंड, और पहले ही सबका स्टार्ट हो चुका था, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट डेट्स और टाइमिंग पे था। तो मेरा 15 अगस्त को था ये GD, और GD सर ऐसा था कि आपका जैसे अभी जूम है तो उन लोगों का एक फेस ऐप करके कुछ था जो ऑनलाइन मिल जाएगा, उसमें 8 लोग को कंबाइन किया गया था और कुछ टीचर्स रहेंगे और उन लोग फिर GD कंडक्ट होगा। और ये सर जैसे GD होता था उससे थोड़ा हट के हुआ इस बार, जैसे इस बार मतलब सबको अगर बोलेंगे तो क्लैश हो जाएगा वॉइसेस, तो एक एक करके सबको पॉइंट रखना था और सबको बोलने का मौका मिल रहा था इस बार। तो सबको अपने हाँ ये सर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सबके में कि हिंदी में बोलना है इंग्लिश, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब कोई भी गेट की प्रिपरेशन करता है एक तो होता है कि उन लोगों को या तो इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है, और या तो अगर जैसे कुछ लोग होता भी है स्ट्रॉन्ग और कोई सीरीज मूवीज देख के इंग्लिश आता भी है, पर इतना टाइम बोलने बिना बोले रहने के कारण एक वो फ्लुएंसी छूट जाता है, तो इंग्लिश के लिए सब कोई डरते हैं। तो सर ऐसा है कि कोई भी बैरियर नहीं है, तो इससे एकदम काम माइंड से जाइए, आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप इवन GD में भी हिंदी बोल सकते हैं, और इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर पूछ रहे हैं तो उसको भी आप हिंदी में रिप्लाई कर सकते हैं पूरा। तो एक चीज लैंग्वेज मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको आप जो कंप्लीट कर लेना, मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं फिर एक साथ दोनों कंप्लीट कर लेना आप। जैसे आपके वहां पर 8 members आपने बताए थे, 8 students मतलब वहां पर थे, तो कितने स्टूडेंट्स हिंदी में बोल रहे थे, कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोल रहे थे, और कितने स्टूडेंट मिक्स करके बोल रहे थे? सर जैसे सबका अलग अलग ग्रुप में सबको अलग अलग बोले, पर हमारे एग्जैक्टली हमारे ग्रुप में ऐसा था 8 लोग में से सिर्फ 2 लोग इंग्लिश में स्टार्ट किए थे, बाकी 6 लोग हिंदी में बोल रहे थे, इवन मैं भी खुद हिंदी में ही बोल रहा था। और जैसे बाकी मैंने जब GD का प्रैक्टिसेस किया था तब मैं भले इंग्लिश में बोल रहा था, पर मुझे लगा कि अभी जब सब हिंदी में मैक्सिमम बोल रहे हैं तो मैं भी हिंदी में ही रिप्लाई करूँ, क्योंकि उसमें पॉइंट अच्छे से ऐड कर बनेगा। और मैटर आपका लैंग्वेज इसमें मैटर नहीं करता कि आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, आप जो पॉइंट ऐड कर रहे हो अपना नॉलेज या फिर उस टॉपिक के बारे में जितना वो मैटर करता है। तो अगर आप इंग्लिश भी बोल रहे हो और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो या फिर फ्लुएंसी नहीं बोल रहे हो अटक रहे हो, तो बेटर होगा कि आप हिंदी में उसी चीज को बोलो और अच्छे वे से प्रेजेंट करो, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लैंग्वेज को बिल्कुल भी बैरियर लेके मत चले और सिर्फ हिंदी में ही बोले। राइट, तो आप जैसे आपके पास अराउंड 15 days के आसपास मिला आपको राइट प्रिपरेशन के लिए, तो आपका जो गैप था उस टाइम अपने पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी है, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना बंद करते हैं पर बहुत सारे पढ़ना कंटिन्यू मतलब पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, तो इस 15 डेज में आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया, मतलब कैसे शुरू मतलब क्या, यहाँ पर 2 questions आते हैं, आप क्या पढ़ें राइट, मतलब आप जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग है वो पढ़ें या जो वीक पॉइंट है वो पढ़ें, तो आपने क्या किया था? सर जैसे ऐसा था कि अभी 250 लोग को कॉल किया गया था, और इसमें ऐसा था कि 250 में से 250 के पूरे इंटरव्यू भी देंगे और GD भी देंगे, मतलब ऐसे GD वो एलिमिनेटिंग राउंड नहीं था। तो अब पहला जब GD था तो मैंने पूरा फोकस GD पे पहले दिया कि अब जैसे GD का सर जैसे मैं बिल्कुल भी मतलब जनरल अवेयरनेस से बिल्कुल भी मतलब न्यूज से भी कट ऑफ रहता हूँ, तो अब मैं सोचा कि क्या किया जा सकता है GD के लिए। तो सबसे पहले तो हाल ही के जितने भी करंट टॉपिक्स थे उसके बारे में मैंने यूट्यूब से एसेज मिल जाएगा आपको। सर मेरा टॉपिक था कि इंजीनियर का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है। यस सर, तो मैं वैसे कि ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं किया था कि क्योंकि मैं जितना भी टॉपिक्स बहुत सारे प्रिपेयर किए थे 30-40 टॉपिक्स मैंने लिसन कर लिए थे, पर ये नहीं फंसा था उसमें से। तो पर फिर भी एक आइडिया आपका प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो मैं कुछ तो करेंट सिनेरियो के बारे में पता करके जा रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए भले ही आपके जैसे मेरे अगर आपका है कि आपको बिल्कुल भी जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो आप उस जिस दिन से डेट आया है 1 week ही आप यूट्यूब के सारे यूट्यूब से या फिर क्रोम गूगल में आप सर्च कर लीजिए, और न्यूज़पेपर क्योंकि काफी वास्ट हो जाएगा इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा,
आप प्रीवियस टॉपिक सर्च कीजिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके ही उसके वीडियो देखिए और कॉपी में पॉइंट नोट करते जाइए। एक हैबिट ये होगा कि आप टॉपिक सर्च करें, दूसरा कि आप एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे इस बार तो पहले ऐसा होता था कि आप सबको अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ मीट करके आप जीडी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अभी ऐसा था कि हम लोग सब कोई ऑनलाइन नहीं, जैसे व्हाट्सएप पे काफी ग्रुप बन जाते हैं रैंकर्स के, तो व्हाट्सएप में ही हम लोग डिस्कस कर लिए कि चलो पांच पांच लोग ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन। तो हम लोग रोज शाम को कोई भी टॉपिक में ऐसी बात करते थे, हिंदी इंग्लिश अपना पॉइंट रखना है बस कि बोलने का एक फ्लुएंसी आ जाए। तो ये दो चीज करेंगे तो जीडी आपका आराम से हो जाएगा। और वहां पे भी आप जाएंगे तो कई लोग का ऐसा भी इमेज होता है सर कि फर्स्ट स्टार्ट करना है या फिर मुझे कंक्लूजन एंड करना है। डेफिनेटली ये दोनों चीज आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, पर कभी भी ऐसा मतलब जैसे हमको बोला गया था, जैसे जीडी स्टार्ट हुआ ना तो मैम ने बोला कि आपको आपके लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी जज किया जाएगा, आपके टॉलरेंस के ऊपर भी जज किया जाएगा, मतलब ऐसे अनाउंस की थी मैम स्टार्टिंग में। तो आपके आप कैसे दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं या फिर दूसरे के पॉइंट को सुनते भी कितने अच्छे से, उसके ऊपर भी जज किया जाएगा। तो जैसे कई बार ऐसा था कि अभी ऑनलाइन में तो खास करके अगर सब भीड़ जाएंगे बोलने के लिए तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा उस मैम के ऊपर। तो इसलिए आप पहले दूसरे को बोलने दीजिए, और अगर आपके पॉइंट बिल्कुल नहीं है, जैसे मेरे को अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का उतना आइडिया बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए, तो पहले दो तीन लोगों को मैंने बोलने दिया, उसके बाद उन्हीं के पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक अच्छे वे में फ्रेम करके मैंने पुट किया था। और तो ऐसा था कि पहले के 10 टोटल जीडी जो हम लोग का चला था वो 15 मिनट का या मैक्सिमम 20 to 25 मिनट गया था। तो शुरुआत के में जैसे 8 लोग थे तो सबको 1 to 2 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, मतलब उस टाइम कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता उसको, कोई भी हाथ उठाएगा और उसके बाद मैम नेम कॉल करेगी और वो लाइन से बोलते जाएंगे उन लोग कि 2 मिनट तक, उस टाइम कोई भी इंटरप्शन नहीं रहेगा। जब सब बोल लेंगे अपना अपना पॉइंट रख लेंगे, उसके बाद एक ओपन राउंड हो रहा था, उस ओपन राउंड में अब आप इंटरप्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, पर उसमें भी एकदम मतलब कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहा था क्योंकि मैम कई बार टोक दे रही थी कि आप उसको बोलने का मौका दीजिए या फिर इसको बोलने का मौका दीजिए, या फिर नेम कॉल करके जो कम बोल रहा था उसको भी पुश किया जा रहा था कि आप बोलिए इस टाइप का। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। अब जैसे डीडी हो गया, उसके बाद हम लोग का जैसे 10 डेज बचा था मेरा, 25th को इंटरव्यू था, तो 10 डेज में अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि कुछ लोग के इंटरव्यू होते रहेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि इससे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो उसमें आप एक तो पहला अपना मेजर प्रोजेक्ट सर हम लोग का बीटेक वालों का ऐसा होता है कि मैक्सिमम उसमें कोई कुछ लोग ही सीरियसली बनाते हैं, पर कुछ लोग या तो बनवा लेते हैं या तो उतना ध्यान नहीं दिए रहते मेजर प्रोजेक्ट में। तो अब उन लोग क्या करते हैं कि आप भले ही कुछ भी किए हो, चाहे आपके फ्रेंड्स लोग वो प्रोजेक्ट को बनाए, आप उस टाइम में भले ध्यान नहीं दिए, पर अभी आपको वो चीज इंटरव्यूअर को नहीं बताना, आपको अभी एक हफ्ता का टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके 2 hours डेली बांट लीजिए 7 days में, और थोड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट का पढ़िए। दूसरा चीज समर ट्रेनिंग, जो भी आप कहीं भी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग किए होंगे उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बस साइन करने चले जाते हैं दूसरे समर ट्रेनिंग में और हमको कुछ नॉलेज नहीं रहता, पर उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वहां पर फंसने का चांस होता है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यूअर ये सोचता है कि ये तो आप करके आए हैं तो उसके बारे में तो आपको आंसर करना ही है, तो इसलिए आपको उसका प्रिपेयर कर लीजिएगा मेजर प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर आप काफी अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि जो बच्चे टाइम पास करते हैं कॉलेज में वो टाइम पास आप करे भी हो, पहली बात तो अगर कर रहे हो मत करो, आप समर ट्रेनिंग करो, राइट, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, कर लिए हो तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर करने के बाद आप प्रिपेयर करके जाओ अपने जो करा है, आपका जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड, ताकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंटरव्यू में आप आंसर दे पाए, रेलेवेंट और प्रॉपर आंसर दे पाए, राइट। अभी बता दें आपके को आप इंटरव्यू आते हैं, इंटरव्यू में कैसे शुरू हुआ, एचआर राउंड पहले हुआ या टेक्निकल राउंड पहले हुआ? सर इंटरव्यूअर भी ऐसा इस बार ऐसा हुआ इंटरव्यू की एग्जैक्ट मेरा 15 मिनट्स का गया था इंटरव्यू, एग्जैक्ट 15 मिनट्स मैंने टाइम देखा था। तो और ये भी कुछ लोग का वेरी कर रहा था, कुछ लोग का सुनने में था कि 10 मिनट्स में खत्म हो गया था, कुछ लोग का 20 मिनट्स तक गया था। तो हो सकता है कि ये टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा टाइम जो था 4:30 to 2:30 टाइम दिया गया था मुझे, पर हुआ था 4:30 को, तो हो सकता है कि उस टाइम खत्म होने का टाइम था और एक बैच बचा हुआ था इंटरव्यू का, तो इसलिए शायद उन लोग जल्दी में भी कई बार कर लेते हैं, और हो सकता है कि जिन लोगों का मॉर्निंग में पड़ता है इंटरव्यू उन लोगों का थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है कई बार, पर जैसे लास्ट होता है तो जल्दी जल्दी खत्म करवा देते हैं। अब जैसे ही इंटरव्यू हुआ हम लोग का,
तो पहले तो सर वो ऐप के थ्रू हम लोग को पहले एक वेटिंग रूम बनाया गया था वर्चुअल, जिसमें जितने लोग भी थे उस 5 लोग थे, जैसे मेरे 2:30 से 3:30 वाले स्लॉट में, तो 5 लोग को पहले वहां पे इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद जब एक एक करके नाम सीक्वेंस डिसाइड हो जाएगा कि सीक्वेंस वाइज भेजेंगे, तो जैसे मेरा सीक्वेंस था लास्ट उन 5 में से, तो तब तक वहां पे अवेलेबल रहना है मुझे ऑनलाइन, और एक के बाद भेजते जाएंगे। और उसके बाद हम दूसरे साइट में लॉगिन करते थे और वहां पे पहले से ही इंटरव्यूअर और एचआर राउंड पूरा मतलब सब कोई अपनी अपनी जगह से थे। जैसे ही मैं एंटर किया था इंटरव्यू में, तो पहले मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए अपने बारे में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप मतलब मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर वालों को बोल सकते हैं, इसको तो आप कहीं किसी भी इंटरव्यू को फेस करें ये तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसमें मैंने अपने बारे में बीटेक के बारे में बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, और जैसे हाँ आप जहाँ रहते हैं ना तो वहाँ पे भी कुछ कुछ पॉपुलर चीजें होंगी जिसका आइडिया आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मुझसे तो नहीं पूछा गया पर बहुत पूछा गया था इंटरव्यू बाकी लोगों से, जैसे मैं भिलाई था, रिलीजियस प्लेसेस या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर वहाँ के मंत्री कौन है, यहाँ पे कोई हिस्ट्री बताओ अपने प्लेस का, ऐसी चीजें ना। यस सर, तो अब जैसे भिलाई एक और चीज के फेमस है, भिलाई स्टील प्लांट, तो पीएसयू वाले लोग काफी पूछते हैं भिलाई स्टील प्लांट में आप मतलब क्या जानते हैं भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, तो एक उसके बारे में पता कर लीजिए। और जैसे मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स को पता था कि जैसे मैं एनटीपीसी के जैसे 10 डेज का जो मुझे टाइम मिला था जीडी के बाद, तो मैं एनटीपीसी के साइट में भी गो थ्रू कर लिया था कि आप एनटीपीसी के बारे में भी क्या क्या जानते हो, जिसके बारे में भी इंटरव्यू देने आ रहे हो, कोई भी पीएसयू हो या कोई भी कंपनी हो, तो उसके साइट में अगर आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स भी डेली स्पेंड करते हैं 7 डेज तक, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा कि ये किस किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, क्या क्या काम कर रही है। तो अगर आप वो सब को भी लिस्ट आउट करेंगे ना कि जैसे कई बार क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन योर कंपनी, तो बेसिकली तो सबको रियल आंसर पता होता है कि हमको सर अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, इसलिए ज्वाइन करें, पर वो आंसर हमें देना नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट दिखाना है उस काम पे जो वो कर रही है कि सर जैसे उसका कि जैसे उसका कोई प्रोजेक्ट है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट के साथ एनटीपीसी का कुछ प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आपको लिस्ट आउट करना है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा साइड में। उसमें मुझे भी पहले पता नहीं था, मैंने वही 7 दिन में, ऐसा कुछ नहीं कि पहले से नॉलेज दिया जाता रहता है, उसी टाइम आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो मेजर क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन का आपका बता रहे हैं, मतलब आपको बता रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया आप ये एक सेल वाइज बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन, मतलब एचआर में क्या पूछा गया था और टेक्निकल में क्या पूछा गया था। यस सर, तो पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे मैंने अपने हॉबी में बोला था कि मुझे डांसिंग पसंद है, तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा स्टाइल करते हैं डांसिंग का, तो मैंने सर कहा कि हिप हॉप और वो बॉलीवुड स्टाइल, और फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप डांसिंग में पहले से मतलब प्रॉपर कोर्स किए हैं या ट्रेनिंग लिए हैं कि आप ऐसे ही करते हैं, तो मैं बोला कि सर मैं 8th to 10th class तक मैं पूरा प्रॉपर कोर्स लिया था, मतलब ट्रेनिंग लेता था डांस का, और उसके बाद से मैं अपने से ही यूट्यूब लेक्चर्स लेके करता हूँ प्रैक्टिस, और फंक्शन जितने भी होते हैं उसमें परफॉर्म करता हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो ये जो पहला जो क्वेश्चन होता है ना पीएसयू में वो आइस ब्रेकिंग होता है, मतलब कि उनको भी पता है कि अभी जो इंटरव्यूअर आया है वो थोड़ा सा घबराया हुआ डरा हुआ, तो उसके लिए उसको फ्री करने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये था कि अपनी फैमिली के बारे में और कुछ बताओ, तो फिर उसमें मैंने बताया कि मेरा भाई है, मम्मी है, और मम्मी हाउस मेकर है, फादर बिजनेसमैन है, तो फिर फादर के क्या बिजनेस करते हैं, तो ये चीज आपका 2 to 3 मिनट चलेगा, बस आइस ब्रेकिंग रहेगा जो आपको कंफर्टेबल करवा देगा सिनेरियो से। जैसे ही 2 to 3 मिनट पास हुआ आपसे तुरंत क्वेश्चन किया जाएगा कि मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हैं, या तो ये क्वेश्चन पूछें टेक्निकल, तो मैंने तो मशीन और पावर सिस्टम पूछा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप मैंने इंटरव्यू में बोला कि मेरा समर ट्रेनिंग था कि मैं एनटीपीसी सीपत से ही समर ट्रेनिंग किया हूं, तो मैं पूरा एक्सपेक्टेड था कि मुझे एनटीपीसी से ही पूरा रिलेटेड कन्वर्सेशन होगा, पर वो ऐसा नहीं हुआ। मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो भी मैंने प्रिपेयर किया था पावर सिस्टम और मशीन, पर उन्होंने मतलब जैसे आप ऐसा भी सोचा कि ट्रेनिंग और मेजर प्रोजेक्ट को छोड़ के पूरा लोग कोई और सब्जेक्ट के बारे में पूछे, तो कोई 2 सब्जेक्ट भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बस देख। यस सर, तो मेरे से पूछा गया कि क्या बोलते हैं आप लोग, पहले तो पूछा गया कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में बताइए कि स्टेबिलिटी क्या होता है, और जैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हो जाता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हो जाता है। अब स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में स्विंग इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, स्विंग इक्वेशन के साथ साथ पावर एंगल जो था मतलब लोड एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है, अब स्विंग इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, और क्यों नॉन लीनियर है,
ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें कौन सी हार्मोनिक्स होती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इनरस करंट के ऊपर पूछा गया, और फिर उसके बाद वो जो थर्ड हार्मोनिक्स है उसके लिए हम लोग डेल्टा वाइंडिंग ही क्यों यूज करते हैं, फिर डेल्टा स्टार का कॉन्फिगुरेशन क्यों होता है, और ऐसे करके, और जैसे नेगेटिव हम लोग रोटर प्रोटेक्शन के लिए नेगेटिव सीक्वेंस रिले ही क्यों यूज करते हैं, इस टाइप का। और मतलब उसके बाद पूरा टेक्निकल राउंड ही चला था मेरा, ऐसे कर करके ये हो गया। और प्रोटेक्शन के सारे क्वेश्चन एक बार आप बता दो ताकि जो बच्चे आगे देने वाले हैं कोई केसेस उनको फायदा मिल जाएगा। सर ये मतलब पावर सिस्टम का था, फिर मशीन से मुझे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पूछा गया था, तो ये पूरा चला था। और ऐसा था कि सर मतलब लोग क्या है कि जैसे जो आंसर दे रहा हूँ उस पर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं उसी पे। जैसे मैं अगर बोल दिया मतलब गलती से मेरे मुंह से निकल गया सर कि उसमें थर्ड हार्मोनिक्स रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, और मान लो कि अगर वो चीज उसमें फ्लक्स में आ गया थर्ड हार्मोनिक्स तो क्या होगा, वोल्टेज पे क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगा, और उस थर्ड हार्मोनिक्स कैसे रिमूव किया जाएगा। मतलब वो क्या करते हैं, मतलब मैं यहाँ पर जो व्यूअर्स है उनको एक टिप्स दे देता हूँ, राइट। एक्चुअली मैं भी काफी लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो हम जैसे इंटरव्यू लेते हैं हम देखते हैं कि कहाँ फंस सकता है बंदा। तो आप कभी इंटरव्यू देते हो जो भी वर्ड बोलते हो, राइट, मतलब जो भी आपके सेंटेंस में वर्ड रहता है हर वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बारे में कोई रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है उसका आंसर होना चाहिए। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरव्यूअर को फंसा देते हैं। मतलब क्या है, वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं ताकि इंटरव्यू के लिए थोड़ा नया होगा, इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछते हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको पता होता है उसका आंसर। मतलब अगला जो क्वेश्चन होगा वो इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करेगा, जो इंटरव्यू दे रहा है वो डिसाइड करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें होता है, राइट। ओके सो हाँ बताइए, आप थोड़ा सा और क्या बता रहे थे बताइए। हाँ ये सर, यही वाला पॉइंट मैं भी लिस्ट आउट करना था कि आप अगर चाहें तो आप खुद ही अपने आंसर में ही इंटरव्यू का थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, कुछ ऐसा टर्म बोल के जिसके बारे में आपको पता है और वो जानबूझ के आप फंसाना चाह रहे हैं कि वो पूछे वो क्वेश्चन आपसे, ताकि आपको वो आंसर पता है और वो ऐड हो जाए आपके में। और फिर लास्ट में सर जब क्वेश्चन होगा तो मुझे फिर से पूछा गया कि HR दो क्वेश्चन पूछा गया कि NTPC के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, और आपने कोई भी NTPC प्रोजेक्ट या थर्मल प्रोजेक्ट या पावर प्लांट में आप कभी गए हैं और क्या क्या सीखा वहां से आपने। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लॉग आउट कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट 15 मिनट का मेरा चला था इंटरव्यू। ओके, तो आपको इंटरव्यू देने का कैसा लगा, मतलब फीलिंग कैसा लगी आपका, होगा या फिर हो सकता है या फिर नहीं होगा? तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि इस बार क्या है कि 250 लोगों को बुलाया गया है, वैकेंसीज कम है, प्रॉब्लम नहीं है, और 30 वैकेंसीज काफी कम है। तो उसके बाद हम, और जिस टाइप का ये एटमॉस्फेयर हो रहा है कि ऑनलाइन सब पहला एक्सपीरियंस, और मेरा पहला इंटरव्यू भी था क्योंकि कॉलेज में मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, और ये पहला इंटरव्यू और वो भी ऑनलाइन, तो उसमें बताने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और क्या फिर भी मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि ये एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग होता है कि मतलब जैसे जो फियर होता है इंटरव्यूअर का, एक इंटरव्यू भी अगर आप अच्छे से देते हैं ना तो आपके जो बाकी इंटरव्यू आने वाले हैं उसका फियर बहुत हद तक बहुत कम हो जाता है। कि उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि क्या बोलते हैं, हाँ अगर मैं काम माइंड से जाऊं और डील मतलब पढ़ के जाऊं तो हो जाएगा वो, तो वो मैटर करता है कि काम होना जरूरी है इंटरव्यू। तो गेट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट से 10-15 मिनट बात करेंगे गेट के बारे में। गेट का जैसे मेरे को पता है आपने फर्स्ट ईयर कोचिंग लिया था, सेकेंड ईयर आपने सेल्फ स्टडी किया था, तो यहाँ से पता लगता है, मतलब बहुत सारे बंदों को देखा, बहुत सारे का इंटरव्यू लिया देखा, इतना व्यूअर्स आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर आपका कोचिंग से क्या होता है, आपका बेसिक क्लियर होता है, गेट एग्जाम कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, नोट्स आपके पास आते हैं, थोड़ा सा आपके इन मिस्टेक्स करें पता लगता है। सेकेंड ईयर आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तरीके से, बहुत सारे बंदे का आजकल उन्होंने बात किया है, सेकेंड ईयर में काफी अच्छा रैंक आता है, इवन जैसे आपका 108 रैंक, इवन अंडर 100 रैंक भी आया है, मेरे पुराने स्टूडेंट है उसका 9 रैंक आया था गेट में आपकी बार। सो सेकेंड, मतलब जैसे आप पढ़ते जाएंगे, मतलब होप अपना लूज मत करो, अगर फर्स्ट एक बार प्रिपरेशन के खराब आया तो और एक साल दो, लेकिन अच्छे से मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो। आप मुझे बताइए आपका सेल्फ स्टडी का स्टार्ट जर्नी कब शुरू करा था आपने, मतलब आपने गेट दिया 19 में, अच्छा हुआ नहीं, फिर आप 19 के एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन शुरू किया था या फिर रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन शुरू किया था आपने गेट 2020 के लिए? सर जैसे गेट 2019 हुआ था उसके बाद कुछ कॉलेज के टाइम बचे थे 2-3 मंथ, तो सर उसमें तो मैंने कॉलेज एंजॉय करने में ही निकाल दिया वो टाइम को थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ मैं वैसे 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहा था तो वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था वो पार्ट, तो इसलिए मैंने उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर दिया। फिर जैसे ही मैं
पर साथ साथ मैं ये भी पता कर रहा था कि क्या बोलते हैं कि मुझे पता चल गया था कि एग्जाम जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना रैंक नहीं आने वाला है। तो जैसे मैं कुछ कुछ एकेडमी का भी कौन कौन एकेडमी ऑनलाइन कोर्स देंगी या कौन कौन सब्जेक्ट मटेरियल्स मेरे को जरूरत पड़ेगा इस पर प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सब मैं पहले से साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जा रहा था कि बस मुझे रिसोर्स पहले पता कर लेने चाहिए। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ था उसके नेक्स्ट डे से ही मैं क्या करता था कि फ्लुएंसी में आने के लिए मैं जैसे स्टेट अकेडमी का एक कॉम्बैट करके होता है जिसमें उसमें क्वेश्चंस पुट करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, तो मैं उसको फ्लुएंसी में मतलब एक स्पीड में आने के लिए मैं धीरे धीरे पिकअप कर रहा था, तो उसको सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करता था मैं। और जैसे ही हम लोग का जैसे 2019 हुआ उसमें भी टेस्ट सीरीज दिया ही था मैं जनवरी भर पूरा, तो वो जो टेस्ट सीरीज के जो मैं कॉपीज बनाया था क्वेश्चन के उसको पहले सॉल्व करने लग गया। तो पहले 15 डेज तो मैं अपने आप को रिकॉल करने में ही सारे सब्जेक्ट को फिर से रिकॉल कर लिया कि थोड़ा थोड़ा कि हाँ यार उतना नहीं भूला हुआ हूँ सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा प्लान बनाया अक्टूबर तक का, जुलाई जुलाई को आई थिंक मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, तो जुलाई से अक्टूबर तक का पूरा प्लान था मेरे पास कि इतने से इतना मंथ इस सब्जेक्ट को, इतने से इतना मंथ इस सब्जेक्ट को। और मैं क्या कहता था कि वेटेज वाइज डिवाइड किया था कि जो सबसे ज्यादा वेटेज के सब्जेक्ट हैं उस जैसे मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए होते हैं तो उसको मैं पहले कर लूंगा और इन लोगों का फिर रिविजन चलते जाएगा बाद में बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ। तो इन लोगों को मैं पहले कर लिया और फिर पूरा का पूरा फोकस टेस्ट सीरीज पे दिया, क्योंकि 2019 में मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी कि मुझे कॉन्सेप्ट तो थे पर 2019 का पेपर एकदम इजी आ गया था और वो पेपर को मैं एग्जाम में लेके जज नहीं कर पाया था कि स्कोरिंग पेपर है, तो मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने हैं अपने कि जितना ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी से करेंगे तो वो स्कोरिंग हो जाएगा। तो मेरा मार्क्स आया था उस टाइम 68 मार्क्स 2019 में और मेरा रैंक आया था 3203, पर 2020 जो गेट का पेपर था वो एग्जैक्ट अपोजिट था कि एकदम ज्यादा टफ था ये, इसमें आपको भले ही कम कीजिए मेरे से हुए थे 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए पर उसमें से 37-38 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे, तो उसमें मेरा मार्क्स हुआ 72 मार्क्स और 72 में मेरे को 108 मिल गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर को देखते ही आप विद इन 15 मिनट्स आपको पता हो जाना चाहिए कि ये पेपर स्कोरिंग जाने वाला है कि ये पेपर मतलब टफ होगा, इसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। तो वो चीज प्रैक्टिस आपको तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज देते आदत हो जाएगा। तो सर मैं स्टार्टिंग से 3 टेस्ट सीरीज ले लिया था मेडिजिक गेट अकेडमी और क्रिएट्रिक्स का, और जो भी सब्जेक्ट होता था तुरंत टेस्ट सीरीज देता था, फिर टॉपिक पढ़ता था, फिर टेस्ट सीरीज देता था, मतलब और टेस्ट सीरीज से ही रिवाइज कर रहा था पूरा सब्जेक्ट को। तो पूरा साल भर फिर मैं टेस्ट सीरीज देते गया और इसमें स्पीड भी बढ़ जाता है, तो पूरा फोकस मेरा सेल्फ स्टडी में टेस्ट सीरीज के ऊपर था। जैसे कई लोग का ऐसा होता है सर कि जो वीक पॉइंट होता है उन लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस करने के पहले अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाए, पर बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा था तो मेरे को टेस्ट सीरीज पे फोकस करना मेरे लिए सही था। और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बुक होती है उसको अच्छे से सॉल्व किया मैंने, तो ये जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक तो टेस्ट सीरीज और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और यहाँ सर पर ज्यादा बहुत सारे मतलब बताइए, कंप्लीट करिए, क्या बता रहे थे आप। कि सर जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो सर बहुत ज्यादा वो भी होता है कि ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ये मटेरियल कर लेता हूँ सॉल्व ये, फिर वो मटेरियल सॉल्व करता हूँ, तो ज्यादा मटेरियल भी आप मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि इस एकेडमी के कुछ मैं मटेरियल लेता हूँ इसका वर्कबुक सॉल्व कर लेता हूँ, तो उसके कारण भी काफी टाइम चले जाता है सर उनका। तो आप बस एक प्रॉपर एक ही दो चीज कीजिए पर उसको अच्छे से करके जाइए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे मत भागिएगा वो बस। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे टिप्स दे दिया और डेफिनेटली इट विल हेल्प मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो इसमें एक क्वेश्चन निकल गया होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगभग लिखते हैं, सबके पास होता है, किसी ना किसी पब्लिशर का होता है। तो आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए फॉर गेटिंग बेस्ट आउटपुट फ्रॉम इट? सर एक तो पहले तो क्वेश्चन मैं कुछ लोगों को देखा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं ना तो लोग 2 से 3 बार कर देते हैं, और कैसे सॉल्व करते हैं कि एक बार सॉल्व हो गया उसके बाद उन लोग क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं, अरे इसका आंसर तो ऐसा था इसका आंसर तो ऐसा था, मतलब उनको आंसर याद हो जाते हैं पर वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं गायब होते जाता है। तो आप ना क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि मतलब मुझे सॉल्यूशन भी मैटर नहीं, मतलब मुझे उसके जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे मिल रहा है कि इसी लॉजिक से और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसमें भी थिंकिंग एबिलिटी अपना कीजिए कि अगर ये ऐसा ये अप्रोच मेरे को अच्छा लगा तो उस अप्रोच को, अरे यार कि ये अप्रोच मैं नया सीखा हूं मैं, उसको पहले नोट करना स्टार्ट कीजिए और उसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या वो टॉपिक के बारे में और कौन क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उसके बारे में सर्च कीजिए, और एक बार अच्छे से कीजिए और उस टाइम ही बुक मार्क कीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन को,
नेक्स्ट टाइम आप पूरा पेपर को क्वेश्चन बैंक को फिर से मत सॉल्व कीजिए, जो जो बुक मार्क क्वेश्चन था उसको एक बार आप देखिए क्वेश्चंस को और रफ कॉपी में पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन देख लिया या वो कर लिया कि ये तो बन जाएगा, नहीं उसको पूरा सॉल्व करके देखिए और आंसर फिर मैच कीजिएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। तो उसके बाद एक दो बार हो गया वो मोर देन इनफ है, दो बार सॉल्व करना प्रीवियस ईयर को। तो अब बस अप्रोच जो नए नए कॉन्सेप्ट से अप्रोच है और वो नए नए कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर माइंड करके करें, ना कि वो जो क्वेश्चंस हैं उसको याद करने के बेसिस पे जाए कि बस मेरे को निपटाना है ये प्रीवियस ईयर। कई लोग करते हैं सर कि बस प्रीवियस ईयर को निपटा देते हैं, मतलब जैसे तैसे करके मुझे जल्दी जल्दी जो सॉल्व करना है उसको, तो उसमें मत जाइए। आप 10 क्वेश्चन ही उसमें अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में या क्या क्या कॉन्सेप्ट टच हो रहा है और वो कैसे अप्रोच सॉल्व हो रहा है, मल्टीपल मेथड उसको सॉल्व कर। सर हाँ मेरा एक ये था सर, जैसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे को काफी मल्टीपल मेथड थे शॉर्ट ट्रिक्स कि मैं वो प्रैक्टिस से आ जाता है अपने आप। जब आप बहुत सारा इधर क्वेश्चन वर्कबुक सॉल्व करें या कुछ सॉल्व करें तो वो प्रैक्टिस से अपने आप डेवलप हो जाता है कि इसका शॉर्टकट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी आप अपने हिसाब से डील करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। तो वो सब जब आप करते जाएंगे ना, ये तीन चीज को मेन फोकस करेंगे तो फिर आपका यूजफुल होगा, ना कि उसके क्वेश्चन को याद करने से प्रीवियस ईयर के। ओके दैट्स राइट। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और एक आता है, आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज आप पहले मतलब आपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कब देना शुरू करा और आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कब, मतलब पहले आपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिया होगा फिर फुल लेंथ दिया होगा ना, ऐसे करा आपने? जी सर। राइट ओके। तो आप फुल लेंथ कितने टेस्ट सीरीज दिए थे, मतलब कितने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज फुल लेंथ आपने दिया था और ज्यादा बेनिफिट्स आपको किससे मिला, फुल लेंथ से या आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज से या फिर कंबाइंड बेनिफिट्स था? सर मैं तो बोलूंगा कि कंबाइंड बेनिफिट्स था, क्योंकि सर मैंने जैसे जुलाई जुलाई से ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अगस्त से ही मैंने, जैसे मेरा कोई भी टॉपिक होता था मतलब मैं 7 दिन भी पढ़ा हूँ तो उसको तुरंत टेस्ट सीरीज दे रहा था उसका, उसका टॉपिक वाइज तो उसी वक्त निपटा देता था, टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोनों निपटा देता था। अब वैसे करके सब्जेक्ट पूरे टॉपिक कवर होते गए मेरे। जैसे ही अक्टूबर आया था तो अक्टूबर 15th को मैंने पहला अपना मॉक टेस्ट दिया था। अब वो भी सर मेरा प्लान नहीं था देने का, पर वो ऐसा था कि सर ओपन टेस्ट होता था उस टाइम क्रिटिक्स का, तो मैं दिया था ओपन टेस्ट कि वो अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको दे देते हैं। फिर एक्चुअल जो मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किया था वो दिसंबर से दिया था। दिसंबर में सर मैं वीक में एक मॉक टेस्ट दे देता और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व वोल्व करके। और सर एक और हैबिट मैंने डेवलप किया था कि मैं जैसे गेट का पेपर जो मिलता है मुझे स्क्रिबल पैड मिलता है, पैड में ही आपको सॉल्व करना रहता है, तो मैं क्या कह रहा 24 पेजेस का या 12 पेजेस का A4 शीट को फोल्ड करके स्क्रिबल पैड बना लिया था 30 घर में पहले कि A4 शीट को मंगाया और स्टेपलर करके अपना स्क्रिबल, और सारे चीज को मैं मॉक टेस्ट देने गया तो पूरा एटमोसफेयर बना के स्क्रिबल पैड में ही सॉल्व करता था। कि ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में किसी और को सॉल्व कर रहा हूं या फिर, तो सर उसमें क्या होता है कि छोटा सा स्क्रिबल पैड होता है तो 65 क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है कैसे रीचेक करना है वो हैबिट डेवलप हो जाता है उस स्क्रिबल पैड में। तो पहले तो मतलब बेसिकली आपने जो एनवायरनमेंट आपको एग्जाम में मिलता है सेम टू सेम एनवायरनमेंट अपने घर में बना लिया और आपने सेम टू सेम आपने फील किया कि मतलब एग्जाम दे रहा हूं मैं और आपने एक मतलब टेस्ट सीरीज दिया घर बैठे, ठीक है जी। तो, सर जनवरी से सर मैंने अल्टरनेट डेज देना स्टार्ट किया कि एक दिन गैप करके एक दिन देता था, और फिर सर 15th जनवरी या 28th जनवरी के बाद मैंने फिर सर रेगुलरली देता था मैं लास्ट से। फरवरी 3rd तक मैंने दिया था, 9th को हम लोग का पेपर था, तो सर उसके बाद फिर पूरा 1 वीक मैंने अपना जो भी मॉक टेस्ट का वो था ऑब्जर्वेशन उसको बस रिकॉल किया था। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते पहले ही अपना मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया था, क्योंकि सर ऐसा होता कई बार कि गलत हो जाता है मतलब बेकार चल जाता है पेपर, तो उस कॉन्फिडेंस लो होने के कारण आप जाते हैं पेपर देने तो वो काफी इफेक्ट कर जाता है। और सर मेरा एक और भी ऐसा हैबिट था कि मैं ज्यादा रैंक को देखता नहीं था, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि 2019 का एक्सपीरियंस था ऐसा था कि आपका मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपके जरूरी नहीं कि वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे पर वही क्वेश्चन आएगा वो मैटर नहीं करता, पर आप कैसे हैंडल कर लें प्रेशर को कि एकदम प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आपका कैसा है उस वक्त में वो मैटर करता है, तो उसके लिए मैं रैंक पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। तो इसलिए सर जब मैं 2020 का भी एग्जाम दे रहा था तो मैं हाँ, और एक और सर कि मैं प्रैक्टिस करता था, जैसे मॉक टेस्ट देता था तो मैं स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेता। कई लोग सर एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं पेपर, कई लोग 1 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं, कई लोग 2 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। तो सर मेरा जब 2019 में दिया था मैं तो मैं पहले एप्टीट्यूड देता था, क्योंकि उन लोग कई लोग का मानना होता है कि एप्टीट्यूड आपका स्कोरिंग पार्ट होता है तो पहले ही स्कोर कर लो मैक्सिमम मार्क्स,
एप्टीट्यूड पहले देता था और फिर उसके बाद 1 मार्क फिर 2 मार्क्स। और फिर सर जब मैं 2020 का पेपर दिया था तो मैं जस्ट अपोजिट करता था इसका, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो गया था कि मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके, तो मुझे ये पता था कि 2 मार्क्स से सर एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ता है आपका मार्क्स का। अगर आप पहले ही 1 घंटे में अगर मैक्सिमम 2 मार्क्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको आइडिया हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं 2 मार्क्स से स्टार्ट करता था। और उसमें सर ये होता है कि पहले ही 2 मार्क्स को देखकर कई लोग डर जाते हैं, पर अगर आप पहले से टेस्ट लिस्ट दिए तो नहीं डरेंगे आप। तो 2 मार्क्स दिया, फिर उसके बाद मैं अपना टेक्निकल ब्रेक के लिए एप्टीट्यूड देता था कि मतलब कई बार टेक्निकल कंटिन्यूस सॉल्व करते करते सैचुरेट हो जाता है माइंड, तो थोड़ा सा एग्जाम में ही ब्रेक के लिए एप्टीट्यूड सॉल्व किया 20 मिनट्स के, फिर उसके बाद लास्ट में 1 मार्क क्वेश्चन। और फिर जब मेरे पास फिर भी मेरे पास 30 to 40 मिनट्स बचते थे, उसमें मैं पूरा पेपर को फिर से वो करता था। और उसके बाद फिर एक बार फिर से चेक करके कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था या तो फिर मैक्सिमम चेकिंग में टाइम देता था। ओके तो बिल्कुल मतलब मुझे इस इंटरव्यू में पहली बार हुआ, मुझे तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ा, आपने सबका सेल वाइज बता दिया, चलिए ठीक है। अच्छा आप जो नया जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जैसे स्टार्ट करें जैसे अभी थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, थोड़ा चेंजेस भी हुआ सिलेबस में, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, 5 टिप्स जो उनको हेल्प करेगा अंडर 100 रैंक लाने के लिए, बिकॉज आप ऑलमोस्ट अंडर 100 रैंक लाए हो, तो डेफिनेटली आप कह दो को वो 5 क्या बड़ा टिप्स है आप देना चाहेंगे आपके जूनियर्स को। सर पहला टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सर मार्केट में, जैसे मैंने मेडिसी का भी लिया गेट अकेडमी का भी लिया, तो मैं प्रेफर करूंगा कि गेट अकेडमी का आप सॉल्व करें, क्योंकि उसके मल्टीपल मेथड्स दिए जाते हैं उस पेपर में। पहला आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसको एक बार जनवरी या दिसंबर में एक बार बुक मार्क क्वेश्चन जो आपके हैं उसको बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर अच्छे से हो गया, फिर टेस्ट सीरीज सर कई लोग ना एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। और सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी रैंकर्स हैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने भी हैं, ऐसा कभी फीलिंग आएगा ही नहीं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप मतलब आप पूरा परफेक्टली आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। वो गेट के आप एंटर भी करते रहेंगे ना एग्जाम में, तब भी आपको डर लगता ही रहेगा। तो आप ना आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आप जो टॉपिक पढ़े उसको आप अच्छे से ग्राफ कर पाए, उससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकते हैं उसके लिए आप अच्छे से आइडिया कर पाए कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे दिमाग भी खुलता है सर कि काफी कि मेथड पता चलता है उसके, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आप जो भी टॉपिक आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़े तुरंत आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। जैसे ही टॉपिक वाइज देंगे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे और कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आप बांट के रखेंगे, जैसे मॉक टेस्ट के टाइम के लिए रखेंगे कि मान लीजिए मुझे सब्जेक्ट रिकॉल करना है रिवाइज करना है तो मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दूंगा। तो पहला दूसरा टिप रहेगा टेस्ट सीरीज देने का। और तीसरा सर रिवीजन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करते जाएंगे, जैसे कोई कई बार ऐसा होता है कि कई लोग पढ़ते हैं कुछ सब्जेक्ट पढ़े उसको टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दे दिए, उसको दे दिए 2-3 हफ्ते तक छोड़ दिए कि अब दूसरा सब्जेक्ट निपटाने में लग जाए, पर वो 2-3 हफ्ते का जो गैप है ना वो आपका पूरा सब्जेक्ट को न्यू कर देगा, पूरा फॉर्मूला भुला देगा आपको टच में अगर छूट गया तो। जैसे खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप छोड़ देंगे 2-3 हफ्ते तक तो सर वो पूरा ही न्यू हो जाता है, मतलब पूरा ही भूल जाएंगे, नया स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए 30 मिनट ही सही, पर उसको ऐसे पेज पलटा लीजिए या टेस्ट सीरीज दे दीजिए, बुक मार्क क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसको आप 30 मिनट थोड़ा सा रिविजन में भी देते जाएंगे अल्टरनेट डेज या वीक के एंड में 2 दिन सैटरडे संडे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, रिविजन हो गया। और सर चौथा चीज कि सर वही कि एक तो टेस्ट सीरीज का वो ये बेनिफिट उठाने का कि आप मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट के सर कि पूरा कोर्स हो जाएगा तब मैं दूंगा, ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि सर मॉक टेस्ट इसलिए भी नहीं होता कि आपका पूरा चेक करने के, आपको ये भी चेक करता है मॉक टेस्ट कि आप जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एक सब्जेक्ट को आपको याद रखना है, टॉपिक वाइज में एक टॉपिक याद रखना है, पर मॉक टेस्ट में आप जो 12 सब्जेक्ट है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, एक साथ कैसे क्लिक कर पा रहा है कि नहीं, कि अब ये डिजिटल का क्वेश्चन आया, अब एनालॉग का आ जाएगा, कुछ मशीन का आ जाएगा, तो आपका माइंड भी वैसे स्विच कर पा रहा है कि नहीं क्वेश्चन को, तो इसलिए भी मॉक टेस्ट जरूर। हो सकता है कि आपके 7 से 8 ही सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर है, पर फिर भी आप दिसंबर या जनवरी 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट में देना। मार्क्स वर्क्स को आप उतना अच्छे से मत लीजिएगा सीरियसली, क्योंकि वो मार्क्स डिसाइड नहीं करते। और उसके बाद आप देखेंगे कि उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं जितना पढ़ा हूँ उस सब्जेक्ट को अच्छे से वो कर पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब
यूटिलाइज कर पा रहा हूँ कि सात सब्जेक्ट ही पढ़ा उसी का बस चेक कीजिए आप कि हाँ ये सात सब्जेक्ट को मैं अच्छे से स्विच कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही। और हाँ सर, कि टेस्ट सीरीज देने से पहले कई लोग बहुत बार रिवाइज करते हैं कि जैसे मैं टेस्ट सीरीज देने गया तो पहले जैसे कल कई लोग करते हैं कि संडे को टेस्ट सीरीज दूंगा तो सैटरडे भर पूरा उस सब्जेक्ट को लेके बैठ गए। तो सर उससे ऐसा होता है कि अब आप एक सब्जेक्ट को तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक सैटरडे भर बैठ के रिवाइज कर दिए, पर गेट सर 12 सब्जेक्ट को एक साथ लेगा तो आप पूरा 12 सब्जेक्ट को एक हफ्ते पहले पूरा एक साथ रिवाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पूरा 4 साल का बीटेक होता है उसमें। तो आप ऐसा आप खुद ही से उसी टाइम से हैबिट डेवलप कीजिए कि आप रिकॉलिंग का कि कैसे मैं रिकॉल कर पाता हूँ। तो ऐसा कीजिएगा कि आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, हो सकता है कि एक हफ्ता हो गया वो सब्जेक्ट पढ़े तो मजे में दे दीजिए टेस्ट सीरीज की, चलो आज देता हूँ कि टेस्ट आज कंट्रोल पढ़ने का मन कर रहा है, भाई एक हफ्ता 10 दिन हो गया उसको पढ़े हुए तो देखता हूँ कितना याद है करके, मजे में दे दीजिए। रैंक वैंक को देखिए मत और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद जो जो भूले हैं उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए वहीं पे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको रिकॉल हो जाएगा वहीं पे। तो सर इससे एक हैबिट डेवलप हो जाता है कि रिकॉल करने का, बार बार नहीं तो एक दिमाग में रहता था कि मैं रिवाइज करूंगा तभी मेरे को पूरा याद होगा तभी रिवाइज होगा। तो टेस्ट सीरीज के पहले ही आप तुरंत रिवाइज मत करिएगा, आप उस टाइम रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इनको याद आ रहे हैं कि नहीं, तो उससे आपके फॉर्मूला और वो कंठस्थ बैठ जाएंगे दिमाग में। तो ये थे सर 5 टिप्स। चलो बहुत बढ़िया आयुष, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड जो स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं आप इनकी फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू आयुष एज वेल। थैंक यू फर्स्ट आयुष फॉर टॉकिंग टू अस वंस अगेन। एंड लाइक करो वीडियो को और शेयर करो दोस्तों के साथ और एंजॉय करो लाइफ को। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।